हेलो एवरी वन वेलकम टू केमिस्ट्री कम्पिटीसन सो गाय स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट चैप्टर एरोमेटिसिटी हमें देखना है कि हमारे जो एरोमेट जो हमारे एरोमेटिसिटी है वो हमारी क्या होती है हम कैसे बताते हैं कि उसके अंदर जो आपके डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड आते हैं ये एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है होमो एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक है ठीक है, है तो उनके कुछ रूल होते हैं उन रूल को फॉलो करते हैं हम तो वहाँ पर बता देते हैं कि आपका जो कंपाउंड्स होगा क्या होगा एंटी एरोमेटिक होगा एरोमेटिक हो गया होमो एरोमेटिक होगा तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे कि हम कुछ आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हुए इन सबको सीखते हुए चलेंगे ताकि हमारे याद रह जाए ओके तो एरोमेटिसिटी से हम क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं सबसे पहले इनमें क्या होना चाहिए साइक्लिक होने चाहिए क्या होना चाहिए साइक्लिक होने चाहिए और इसके बाद जो हमारे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वे क्या होने चाहिए हमारे एंटी एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होने चाहिए हमारे साइक्लिक होने चाहिए तो जब दोनों ही साइक्लिक हो गए तो इस बेस पर तो हम नहीं बता सकते कि एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक आप लास्ट तक देखना कि इनमें आप कैसे देखते हो जो हमारे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं नॉन कंपाउंड्स। कंपाउंड्स ओके ये नॉन कैसे हो हमारे साइक्लिक। तीनों की प्रॉपर्टी फर्स्ट वाली आपकी सेम रहेगी। नेक्स्ट आओ नेक्स्ट है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं आपके प्लेनर होते हैं प्लेनर का मीनिंग होता है एस पी टू या फिर आपका एस पी हो गया अब यहाँ पर आओ यहाँ पर भी क्या होते हैं प्लेनर होते हैं ओके okay, प्लेनर का मीनिंग है एस पी टू या फिर आपके एस पी okay, लेकिन जो आपके नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वे आपके प्लेनर नहीं होते नॉट प्लेनर ओके इन चीजों को हम एग्जाम्पल के बेस पर सीखेंगे अभी आप इनको लिखो तीसरी जो आपकी प्रॉपर्टी रहती है यहाँ पर क्या होता है आपका कंप्लीट कंजुगेशन कंप्लीट और यहाँ पर क्या होता है आपका कंप्लीट कंजुगेशन आप कहोगे कि मैं इनके बेस पर तो हम बता नहीं पा रहे लेकिन बता पाओगे लास्ट का जो इनके आने वाले हैं उनमें हम सब सीख जाएंगे ये क्या होता है आपका नोट कंजुगेशन नोट कंजुगेशन यानी कि यहाँ पर आपको कंजुगेशन नहीं होगा जो आपके ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उनके बीच क्या होगा आपका कंजुगेशन नहीं होगा अब आओ फोर नंबर पे होता है हकल रूल ये जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं क्या करते हैं हकल रूल को फॉलो करते हैं फॉलो द हकल रूल लेकिन जो आपके एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वे हकल रूल को फॉलो नहीं करते आपके जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें आपका थ्योरेटिकल पोर्शन भी आ सकता है इसको आप ध्यान से रखना अगर आपके ये रूल याद है ये पॉइंट याद है तो आप आसानी से किसी भी एग्जाम्पल को निकाल पाओगे ये आपका नोट फॉलो द हकल रूल ओके और जो आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ये भी क्या करता है हकल रूल को फॉलो नहीं करता नोट फॉलो दकल रूल ओके अब आपका हकल रूल क्या होता है आपका हकल रूल होता है फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन और नोट हकल रूल आपका होता है यहाँ पर कौन सा रूल होगा फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन ये आपका फॉलो करेगा जिसे हम बोलते हैं नोट हकल रूल ओके यहाँ पर ये आपका कोई भी ऐसा हकल रूल फॉलो करने वाला कंपाउंड नहीं होगा अब देखना है हमें इनकी प्रॉपर्टी इनके एग्जाम्पल देखो हम क्या लेते हैं बेंजीन लेते हैं और बेंजीन में अगर आपने ध्यान से देखा हो तो कितने पाई बॉन्ड होते हैं थ्री पाई बॉन्ड होते हैं ना और आप बेंजीन को क्या कहते हो बेंजीन हमारी क्या है एक एरोमेटिक कंपाउंड्स है आपने पढ़ा इसलिए आपने बोल दिया लेकिन क्यों है आपको ये डिटेल्स में अभी पता नहीं होगा देखो अगर हम यहाँ पर फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं क्या है? यहाँ पर वर्क करेगा अगर किया तो ये एरोमेटिक नहीं किया तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा फिर या नॉन एरोमेटिक हो जाएगा देखो यहाँ पर जो n है n की वैल्यू होती है जीरो वन टू थ्री फोर इसका जो n है इनकी वैल्यू जो होगी आपकी जीरो नहीं होने की इसकी वैल्यू आपकी ज़ीरो हो जाएगी ये आप लिख लो चलो इसको अलग ही कर देते हैं यहाँ के n जो है आपका वन टू थ्री फोर फाइव एक्सेट्रा हो जाएगा ओके अब यहाँ पर देखो आपने क्या किया फोर इंटू जीरो लिया और उसके बाद आपने प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन किया तो आपका कितना आ जाएगा टू पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा आ जाएगा टू पाई इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या है कि आपका कोई ऐसी रिंग है जिसमें आपका क्या है एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है क्यों क्योंकि जो आपका ये पाई बॉन्ड्स होता है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आपके कंजुगेशन में पार्टिसिपेट होते हैं एक बॉन्ड्स के टू इलेक्ट्रॉन होते हैं देखो आपका ये बेंजीन है साइक्लोहेक्सेन है फिलहाल तो लेकिन हम इसको बेंजीन बनाएंगे ये क्या है इसके पी ऑर्बिटल्स है अब यहाँ पर क्या करना है आपको कंजुगेशन शो करना है एक एक इलेक्ट्रॉन ही तो होता है एक ऑर्बिटल में आपका या नहीं तो क्या है कि यहाँ पर ऐसे कंजुगेशन है है ना इसके बीच यहाँ तक कंजुगेशन और अभी क्या है यहाँ पर पाइबोंड आप ऐसे बना दो यहाँ पर क्या किया कि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स ने आपस में ओवरलैपिंग की ओवरलैपिंग करके यहाँ पर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई अब क्या हो सकता है यहाँ पर कंजुगेशन हो सकता है ना ये जो आपका बॉन्ड है ये आपका कहीं भी हो सकता है ऐसा तो नहीं कि ये बॉन्ड आपका यहीं रहेगा आप ऐसे भी तो कंजुगेशन शो करते हो एरो का मीनिंग ही आपका होता है कि कंजुगेशन कोई रिंग है और उसके अंदर क्या हो रहा है आपको प्रॉपर कंजुगेशन हो रहा है इसी कारण उनको क्या बोलते हैं एरोमेटिसिटी इस चैप्टर का नाम इसी से बड़ा है आपका एरोमेटिसिटी तो इसकी स्ट्रक्चर आपकी कैसे बन सकती है देखो ये जो आपके पाइबोन्स यहाँ पर थे अब ये पाइबोन्स अपनी जगह चेंज कर लेंगे जब इनकी पैलेस चेंज हो जाएगी तो क्या होगा ये ऐसे हो जाएंगे लेकिन जो इनकी जो आपकी प्रॉपर प्रॉपर्टी में आपकी जो स्ट्रक्चर आती है वो कुछ हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऐसे आती है देखो ऐसे जो आपकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर होती है क्या होती है मोर स्टेबल यानी कि हम नहीं बता सकते कि जो बेंजीन के नंबर ऑफ पाई हैं, वे कौन से कार्बन और कार्बन के बीच हो गए आपके क्या हो गए हमेशा कंजुगेशन में रहते हैं कंजुगेशन में रहते हैं इसके बाद हमें देखना है क्या ये हमारे फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर तो टू इलेक्ट्रॉन आए फर्स्ट में फिर हमने क्या किया यहाँ पर फोर इंटू वन वन लिया आपके हमने एन की वैल्यू वन ली फोर इंटू वन प्लस टू फाइव इलेक्ट्रॉन तो बताओ कितना हुआ आपका इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर काउंट करो बेंजीन के अंदर आपके कितने इलेक्ट्रॉन है देखो वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण बेंजीन क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक बेंजीन क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक कंपाउंड ओके इसी तरह अगर आप कहोगे मैम चलो बेंजीन का तो हमें पता था कि ये एरोमेटिक है, है लेकिन टू पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले में कैसे कंजुगेशन होगा कैसे बताइए कि वो एरोमेटिक है देखो सपोज करो आपने कुछ ऐसे लिया और यहाँ पर आपने क्या किया प्लस चार्ज लगा दिया लगाया ना अब आप बताओ क्या ये एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है आपका कौन सा एरोमेटिक है बोलो तो अगर आपको पता हो जो आपका सी एच प्लस होता है अगर मैं आपसे इसका तो क्या आएगा आएगा ना और जो कार्बन होता है यहाँ पर उसमें क्या होता है MPT या फिर वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं ना वैकेंट ऑर्बिटल्स जिसमें आपके प्रेजेंट होते हैं जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन की कमी होती है अब इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए आपको यहाँ क्या करना होगा कंजुगेशन कराना होगा जब यहाँ पर आपका रेजोनेंस हो जाएगा आपके इलेक्ट्रॉन जो होंगे डिलोकलाइजेशन में चले जाएंगे इसके क्या जाएंगे वैकेंट पी ऑर्बिटल्स में जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जब ये ऐसे गए तो यानी कि आपका जो सिस्टम है वो प्लेनर हो जाएगा कार्बोकेट यहाँ पर बन जाएगा दो बार से फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा यानी कि जो आपका कंपाउंड्स है इसमें क्या है ये एरोमेटिक हो जाएगा क्या हो जाएगा एरोमेटिक क्यों क्योंकि सिस्टम प्लेनर है एस पी टू फॉलो करने वाले सिस्टम क्या होते हैं आपके प्लेनर होते हैं यही चीज यहाँ पर है कि साइक्लिक होने चाहिए प्लेनर होने चाहिए एस पी टू या फिर एस पी हाइब्राइजेशन आपका होना चाहिए या नहीं तो उतारो आप फिर और यहाँ पर देखते हैं अपने एग्जाम्पल लिया सपोज करो ने अब आपको एग्जामिनर ने पूछा कि आपको बताना है कि नेपथलिन आपका एरोमेटिक है या आपका एंटी एरोमेटिक है ओके okay? तो आपको नहीं पता कि ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है लेकिन आपको इनके रूल पता है तो आपने क्या किया कि आपने एक बार हकल रूल को लगाया फोर इन टू आपने एक बार क्या किया कि आपने सिक्स पाई तक तो देख रखा था और सिक्स पाई के बाद आपको पता नहीं था सिक्स आपके किस किस में आते हैं सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन आपके आते हैं बेंजीन में अब आपने क्या किया है कि इसके लिए एन की वैल्यू वन की थी और इसके लिए एन की वैल्यू आप टू कर दो इन टू आपका कितना आ जाएगा सॉरी प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन आपका हो जाएगा टेन पाई इलेक्ट्रॉन अगर आपके टेन पाई इलेक्ट्रॉन है तो बताओ ये एरोमेटिक आएगा या एंटी एरोमेटिक बोलो काउंट करो वन टू थ्री 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और जो आपका होगा पर उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है और टेन पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या हो जाएगा ये एरोमेटिक क्या हो जाएगा एरोमेटिक अब देखो यहाँ पर आपका कंजुगेशन है है ना तो आपका यहाँ पर ऐसे कंजुगेशन हो जाएगा ये आपका ऐसे आ जाएगा हो जाएगा ना प्रॉपर कंजुगेशन ऐसे ही हमको क्या दिखानी होती है इनकी एरोमेटिसिटी हमें बतानी होती है अगर हमको नहीं पता कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है तो हम फोर एंड प्लस टू रूल और अपना फोर एंड रूल फॉलो करेंगे उसके बाद बताइएगी वो एरोमेटिक होगा या फिर हमारा एंटी एरोमेटिक होगा इसके बाद अगर आपको एक कंपाउंड ऐसे दिया जाए यहाँ पर क्या है कि आपका प्लस चार्ज है और यहाँ पर क्या है कि आपका माइनस चार्ज है अब आपसे एग्जामिनर ने पूछा कि आप बताओ कि इनमें से आपका कौन सा एरोमेटिक है कौन सा एंटी एरोमेटिक है तो आपको याद रखना है जिसमें आपके ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो गए वो क्या हो जाएगा सिस्टम आपका सिस्टम आपका हो जाएगा एरोमेटिक एरोमेटिक सिस्टम सिस्टम क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक अब आपको क्या देखना है और नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखने हैं देखो आप ध्यान से देखो जो आपका सिक्स करो कि आपका क्या है? था यहाँ पर टेन इलेक्ट्रॉन थे अब हमें देखना है कि टेन पाई इलेक्ट्रॉन तो थे, थे लेकिन हमने बताया कि जिसमें और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आपके प्रेजेंट होंगे तो देखो यहाँ पर इवन नंबर पाई बॉन्ड्स थे आपके या फिर और तो आओ वन टू थ्री फोर और फाइव एक बार आप काउंटिंग कर लो वन टू थ्री फोर फाइव फाइव में आता है आपका ऑड नंबर में बोलो आता है ना ऑड नंबर में ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होने के कारण ये जो सिस्टम है आपका क्या हो जाएगा एरोमेटिक क्या हो जाएगा एरोमेटिक इस चीज को आपको याद रखना है ओके अब यहाँ पर आओ आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर तो कार्बन प्लस है और यहाँ पर कार्बन के पास माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज का मीनिंग क्या होता है आपका एक तो लोन पेयर ऑफ पेरो उसके पास भी कितने होते हैं दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके अंदर और जो आपका माइनस चार्ज होता है आपका ऐसे होता है कि कोई एसिड बेस रिएक्शन किया है आपने और आपका जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो यहाँ से गया उसके जाने के बाद जो आपके इलेक्ट्रॉन थे वो किसके पास रह गए ओनली कार्बन के पास और जब कार्बन के पास रह जाएगा तो कार्बन पे क्या जाएगा माइनस चार्ज यानी कि अब भी इसके पास यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन आपके प्रजेंट हैं और यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन की कमी है जहाँ पर प्लस चार्ज है जब ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो इनको काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पर प्रेजेंट है और सिक्स नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा आपका बोलो थ्री पाई बॉन्ड यानी कि थ्री पाई बॉन्ड में आपके काउंट हो गए यानी कि क्या हो जाएगा सिस्टम आपका एरोमेटिक बोलो एरोमेटिक हो जाएगा ना अब बोलोगे मैम चलो हमने मान लिया लेकिन आपने कहा था कि सिस्टम प्लेनर होना चाहिए और एस पी टू होना चाहिए ये लेकिन ये तो एस पी थ्री है बच्चों यहाँ पर आप ध्यान से देखो जो आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कंजुगेशन में है माइनस चार्ज क्या आपका कंजुगेशन में है ये क्या जाएगा ऐसे कंजुगेशन में आएगा आएगा ना जब ये ऐसे प्रॉपर कंजुगेशन शो करेगा तो आपका माइनस चार्ज होने के बावजूद भी आपका जो कंपाउंडस होगा वो एस पी टू हाइब्राइजेशन शो करेगा यानी कि क्या होगा आपका सिस्टम प्लेनर हो जाएगा ये सिस्टम क्या आपका प्लेनर है ड्यू टू रेजोनेंस या फिर कंजुगेशन कंजुगेशन के कारण सिस्टम क्या हो जाएगा आपका प्लेनर हो जाएगा ओके okay? अब आओ इस वाले सिस्टम पर ये तो एरोमेटिक हो गया अब आप इधर देखो यहाँ पर क्या है आपका ये प्लस चार्ज प्रेजेंट है और यहाँ पर क्या कंजुगेशन तो है यहाँ पर क्या है दोनों में साइक्लिक भी है प्लेनर भी है कंप्लीट कंजुगेशन भी है अब आपको सिर्फ इतना देखना है कि ये 4n रूल फॉलो करेगा या 4n+2 हकल रूल या नॉट हकल रूल ओके okay? देखो तो यहाँ पर आपका कंजुगेशन भी है लिखो आप सिस्टम क्या आपका साइक्लिक भी है और कंजुगेशन भी है ऐसे लिख लो आप साइक्लिक भी है कंजुगेशन भी है और सिस्टम क्या आपका प्लेनर भी है क्योंकि कंप्लीट कंजुगेशन है और कंजुगेशन होने के कारण सिस्टम क्या हो जाएगा आपका प्लेनर हो जाएगा ओके और अब आप आपको देखना है सिर्फ अपना हकल रूल या फिर नोट हकल रूल तो यहाँ पर क्या है आपके तो आप देखो कि अगर आप हकल रूल फॉलो करते हो तो आपके एक बार आते है टू पाई इलेक्ट्रॉन तो टू पाई इलेक्ट्रॉन सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन आपके टेन पाई इलेक्ट्रॉन जबकि यहाँ पर कितने हैं वन टू थ्री फोर फोर पाई इलेक्ट्रॉन है इस बेस पर तो आप कह सकते हो कि मैम ये एरोमेटिक तो नहीं है अब हमें देखना है एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक है इसके लिए हम एंटी एरोमेटिक का फॉर्मूला रखते हैं फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन तो फोर इन टू एन की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी आपकी वन आएगी पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल फोर पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि जो आपका सिस्टम है क्या हो जाएगा आपका एंटी एरोमेटिक आप इस ना ना, आप इसमें कंफ्यूज ना होना एरोना प्रैक्टिस करना ओके अब आपने सीख लिया एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक तो इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज भी है वो भी देखेंगे उससे पहले नॉन एरोमेटिक पर चलते हैं जो आपके नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं साइकिल होते हैं तो हम बना लेंगे यहाँ पर एक साइकिल बनाया जब ये साइक्लिक हो जाएगी तो कहा है कि नोट प्लेनर आप मैंने ऐसे किया ये सिस्टम आप इसको देखते क्या बोलोगे मैम ये तो हमारा एंटी एरोमेटिक में आ जाएगा मैं पूछूंगी क्यों तो आप बताओगे मैम यहाँ पर देखो तो आप सही से कितने हैं फोर इन टू अगर मैं टू रखूँ तो मेरे आ जाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल एट पाई इलेक्ट्रॉन मैम यहाँ पर प्रजेंट है हम कहेंगे कि हाँ बात तो सही कह रहे हो आप देखो ए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ओ बात तो आपने सही कही है लेकिन ध्यान से देखो ये जो आपका कंपाउंडस है ये ऐसे नहीं रहता है ये टब शेप फॉलो करता है क्या करता है आपका टब शेप में आ जाता है जब ये टब शेप में आ जाएगा अब बताना क्या ये एरोमेटिक होगा बोलो ये करता है टब शेप फॉलो अब यहाँ पर क्या कंजुगेशन है नहीं ना तो यहाँ पर कोई आपका सिस्टम प्लेनर रहेगा और ना ही यहाँ पर क्या होगा आपका तो, आपका कंजुगेशन होगा ये आपका कंपाउंड क्या हो जाएगा नॉन एरोमेटिक ऐसे ही कुछ आपके कंपाउंड्स होते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक में आपको ध्यान से देखना है ओके और इसके बाद कुछ इधर आओ एक मिनट के लिए फोर एन प्लस टू यानी कि अगर आप फोर का टेबल करोगे ना आप करोगे फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन ट्वेंटी आप फोर्टीन तक भी अगर चले जाओ ना जो भी आपके फोर के टेबल को फॉलो करेगी मैक्सिमम जो होगी क्या होगी आपके क्या हो जाएगी एंटी एरोमेटिक एक्सेप्शन यहाँ पर रहता है आपका कभी कभी एट एट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वे आपके मैक्सिमम क्या होते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाते हैं अगर वहाँ पर कुछ ऐसा सिंपल कंपाउंड है जिसमें आपके कंजुगेशन प्रॉपर एट पा इलेक्ट्रॉन्स में हो रही हो तो क्या हो जाएगा आपका नॉन एरोमेटिक इसको याद रखना आप ओके देखो इसके बाद यहाँ पर एक एक्सेप्शन है एट पा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कभी कभी नॉन एरोमेटिक होते हैं ऐसे देखो हमने लिया अपने एग्जाम्पल लिए देखो ध्यान से आप देखते क्या बोलोगे मैम प्रॉपर कंजुनिकेशन है हम क्या कि हाँ दिख तो रहा है बिल्कुल दिख रहा है फिर आप कहोगे प्लेनर भी है साइक्लिक भी है और यहाँ पर क्या कर रहा है हक्का हाँ, रूल फॉलो कर रहा है देखो कर रहा है ना देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन 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 इलेक्ट्रॉन हमारे प्रजेंट है यानी कि आपके क्या है फाइव पाई बॉन्ड यहाँ पर प्रजेंट है है ना तो फाइव पाइव वन प्रजेंट होने के कारण क्या हो जाएगा ये आपका आप बोलोगे कि मैम एरोमेटिक हो जाएगा क्या हो जाएगा एरोमेटिक लेकिन ये एरोमेटिक नहीं होगा क्यों क्योंकि देखो ये जो आपका हाइड्रोजन है यहाँ पर प्रेजेंट एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है जो आपस में रिपलसन करेगी एक दूसरे को रिपेल करेंगे जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो यहाँ पर स्ट्रेन होने के कारण कंजुगेशन नहीं हो जाए हो पाएगा जो इसकी प्लानरिटी होती है वो डिस्टर्ब हो जाएगी जब प्लेन डिस्टर्ब हो जाएगी तो कंजुगेशन होगा बिल्कुल नहीं होगा तो यहाँ पर प्लेनटरी डिस्टर्ब हो जाने के कारण क्या होगा ये कंपाउंड जो होगा आपका नॉन एरोमेटिक हो जाएगा ओके okay, अगर इस कंपाउंड्स को मुझे एरोमेटिक बनाना है तो कुछ भी करके दो हाइड्रोजन रिप्लेस कराने होंगे और यहाँ पर एक बॉन्ड की फॉर्मेशन करानी होगी या फिर मैं कुछ ऐसे भी कर सकती हूँ इसको देखो अगर मुझको यहाँ पर क्या करना है कि इसकी प्लेनरिटी बनानी है तो मुझको ऐसा करना होगा एक सी टू बॉन्ड ऐसे लगा देना है और सिस्टम क्या हो जाएगा आपका प्लेनर हो जाएगा या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं देखो इस सिस्टम को प्लेनर बनाने के लिए एरोमेटिक बनाने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन लगा देते हैं क्या होगा कि आपका कुछ ऐसे है ये और ये प्लेनरिटी आपकी नीचे की साइड है ऐसे आपकी प्लेनर हो रहा कंपाउंड्स और आपका क्या हुआ कि यहाँ पर ऐसे यहाँ पर दोनों साइड से देखो ये क्या है इस, इस ऐसे आपके प्लेन में क्या लगा हुआ है ये आपके ये जो कंपाउंड्स है ऐसे हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन या फिर सी एच टू बॉन्ड आपने ऐसे लगा दिया तो कंजुगेशन आपका प्रॉपर तरीके से चलेगा क्योंकि हिंडस जो है आपकी कम हो चुकी है यहाँ पर तो ऐसे क्या करते हैं हम कंपाउंड्स को स्टेबल बना देते हैं ओके okay, यहाँ पर ये दोनों कंपाउंड्स क्या बोलेंगे आपके एरोमेटिक क्या बोलेंगे एरोमेटिक आपके बहुत कंपाउंड्स एरोमेटिक हो जाएंगे लेकिन अगर आपका यहाँ पर क्या है बॉन्ड नहीं आपका सिंगल बोन नहीं है बीच में तो हाइड्रोजन आपस में क्या करेगी हिंडस क्रिएट करेगी जिसके कारण क्या हो जाएगा इन कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक हो जाएगा और उसके बाद एक और चीज लिखो आप जो आपके एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनमें क्या होता है इवन नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं क्या होता है इवन नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट ओके देखो एक आधा एग्जाम्पल हम इसका भी कर लेते हैं इसका एक फेमस एग्जाम्पल है आपने कभी देखा होगा इन आप साइक्लिक फॉर्म बनाओगे उसके अंदर क्या करोगे दो डाइ बना दोगे इसका नाम है आपका डाई इन जो आपका साइक्लो बूटा होता है वो क्या होता है आपका देखो आप इसमें साइक्लिक भी है कंपाउंड देखो आप साइक्लिक भी है देखो आप साइक्लिक भी है और प्लेनर भी है है ना क्योंकि अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो तो क्या करते हो सिग्मा बोन एंड पाई पाइबोंड काउंट करते हैं तो इसमें क्या आपके कितने सिग्मा बोन्ड है वन टू थ्री थ्री क्योंकि एक पाई पाइबोन्स के अंदर क्या होता है एक सिग्मा होता है और एक पाई पाइबोड एक आपका पाई पाइबोन प्रेजेंट होता है तो आप एक एस को एक सिग्मा को एस दे दो और एक दो सिग्मा को पी पी दे दो तो इक्वल क्या हो जाएगा एस पी टू एस पी टू हो जाने के कारण क्या हो जाएगा ये आपका प्लेनर हो जाएगा और प्लेनर होने के कारण यहाँ पर क्या कंप्लीट कंजुगेशन भी है है ना आपको होगा कि मैम है कंजुगेट तो यहाँ पर क्या है कंजुगेशन भी प्रॉपर शो कर रहा है तो अब देखना है फोर एन रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है तो फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन में अगर हम करते हैं तो एन की वैल्यू जीरो रखेंगे तो हमारा क्या आएगा टू पाई इलेक्ट्रॉन आएगा यानी कि वन वन पाई बोड आ जाएगा हमारा ओके या फिर अगर हम क्या करते हैं कि एन की वैल्यू अगर हम वन रखते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन यानी कि हमारा क्या आ जाएगा थ्री पाई बोंड आ जाएगा बोलो आ जाएगा ना इतना तो अगर हम एन की वैल्यू क्या करते हैं यहाँ पर थ्री एन की वैल्यू टू करते हैं तो हमारा कितना जाता है यहाँ पर हमारा आ जाता है टेन पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि हमारा कितना हो जाएगा हमारे फाइव पाइप बोन यहाँ पर ऐसे हो जाएंगे पाइव बोनस तो हमारे क्या हो गए ओढ़ हो गए और जो ये तो हमारा इवन ही है तो ये क्या हुआ कि ये हमने जाना कि ये तो एरोमेटिक नहीं है अब हमें क्या करना है फोर एंड रूल फॉलो करना है यहाँ पर देखो जब हम फोर एंड रूल फॉलो करते हैं फोर एंड प्लस फोर एंड पाई इलेक्ट्रॉन ये हमारा क्या है एंड ये नॉन हर्कल रूल है हमारा और हमें क्या करना है इनकी वैल्यू वन रखना है फोर इंटू वन पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल क्या हो जाएगा फोर पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि ये कंपाउंड जो है हमारा क्या है एंटी एरोमेटिक क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा जब ये कंपाउंड्स एंटी एरोमेटिक हो जाएगा तो अब हो गया ना अब आपको अगर कुछ क्वेश्चन में आपको ऐसे भी आ सकता है कि जो इसकी शेप है वो क्या है तो आप क्या करोगे कि इसको ऐसे सोचोगे कि ये इक्वल चारों जो आपके बॉन्ड्स हैं ये क्या आपके बेंजिन की तरह इक्वल है बेंजिन जिस तरह आपकी पेंजिन में कॉन्जुकेशन था उसकी बेस पर जो आपके सिक्स बॉन्ड थे वे इक्वल थे इसी कारण क्या हो गए ये फाइव के फाइव बॉन्ड्स यहाँ पर इक्वल हो गए और आप क्या बता दोगे इसकी शेप जो होगी स्क्वायर प्लेनर होगी लेकिन इसकी जो शेप होती है वो स्क्वायर प्लेनर नहीं होती उसकी जो शेप होती है वो इसकी शेप हो जाएगी हमारी लिखो आप रेक्टेंगुलर क्या हो जाएगी रेक्टेंगुलर इसको आप याद रखना है जो साइक्लो नहीं होता है उसकी जो शेप होती है रेक्टेंगुलर होती है ऐसे जो आपकी रेजर होगी रेजर जिससे आप मिटाते हो नोटबुक में ऐसी इसकी शेप होती है कंजुगेशन तो होता है लेकिन इस चीज़ से जो शेप होती है स्क्वायर प्लेनर नहीं होती यानी कि ऐसे बोर्ड की तरह नहीं होती वो क्या होती है रेक्टेंगुलर आपकी रेजर की तरह इसकी शेप होती है ओके okay, हो था इतना आपका यहाँ से आपने कुछ सीखा होगा तो इनके बाद कुछ और प्रॉपर्टी है वो हम देखते हैं इनकी उतारो आप जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं क्या होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इम्पोर्टेंट में डाल लेना क्या होता है एरोमैटिक कंपाउंड्स सो द इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन लिखो आप एरोमैटिक कंपाउंड शो द इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन यानी कि जब यहाँ पर कोई चीज़ ऐड होती है तो उसके साथ साथ यहाँ पर कोई चीज निकलती भी है नोट नोट एडिशन रिएक्शन यानी कि ओनली क्या होता है यहाँ पर ऐड नहीं हो सकती एडिशन रिएक्शन यानी कि एडिशन रिएक्शन ही आपको नहीं देगी एडिशन रिएक्शन क्या होती है आपकी आप देखो यहाँ पर हमने लिया है ऐसे ओलिफिन हाइड्रोजन ही कनेक्ट कर दो आप डायरेक्ट हमने यहाँ पर हाइड्रोजन लगाए जो ये आपके हाइड्रोजन है यहाँ पर हमने क्या किया बी आर टू ऐसे लिया अब बी आर टू को हम क्या करते हैं बी आर बी आर में ऐसे ब्रेक करा देते हैं तो जो पाई बॉन्ड होते हैं उनके एनर्जी ज़्यादा होती है तो पाई बॉन्ड क्या करेगा कि एक बी आर को अपने इलेक्ट्रॉन देगा और एक बी आर आपका यहाँ से ऐसे निकल जाएगा जब ये बी आर आपका ऐसे निकलेगा तो आपका कुछ ऐसे आपको कंपाउंड मिला हुआ नज़र आएगा बोलो आएगा ना अब क्या करेंगे कि इस बिहार का हम जब ये अगमा सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन डालेगा तो यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा तो माइनस चार्ज क्या करेगा ऐसे इलेक्ट्रॉन देगा और ये यहाँ से आपकी थ्री मेंबर रिंग जो है ब्रेक हो जाएगी क्योंकि थ्री मेंबर रिंग आपकी ट्रांजिशन स्टेट है और ये काफी स्ट्रेन है यहाँ पर तो आपका कुछ कंपाउंड्स ऐसे बन के आएगा बी आर बी आर हाइड्रोजन 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 यहाँ पर क्या हुआ कि आपके पहले क्या थे फोर हाइड्रोजन थे एक भी हाइड्रोजन क्या हुआ आपका रिप्लेस नहीं हुआ उसके बाद जबकि आपके दो एटम्स और एड हो चुके हैं ये रिएक्शन बोलती है आपकी एडिशन रिएक्शन ओके अब आप ऐसे ही अगर बेंजीन में कराना चाहो रिएक्शन हमारा दिमाग है कुछ भी काम कराने के लिए खुद को रेडी कर सकता है तो हम क्या कराते हैं बेंजीन में रिएक्शन कराते हैं हमने सिग्मा बॉन्ड ब्रेक किया और सिग्मा स्टार में क्या हुआ कि हमारा पाई इलेक्ट्रॉन जो है अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और बी जो है माइनस के रूप में यहाँ से निकल जाएगा तो हमारा कुछ ऐसे बन के आएगी रिंग बी आर प्लस ओके फिर हम क्या करेंगे ऐसे लगा देंगे इसको बी आर माइनस था तो यहाँ पर जाएगा और ये रिंग जो हो जाएगी आपकी ब्रेक हो जाएगी एक बी आर इस साइड लगा दिया एक बी आर आपने इस साइड लगा दिया अब बताओ जो ये आपका सिस्टम है ये क्या है आपका सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है है ना और इसमें क्या Three pi आपके है थ्री पाईबोंड आपके प्रजेंट है थ्री पाईबोंड प्रजेंट होने के कारण ये कंपाउंड्स क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक हो जाएगा बोलो हो जाएगा ना एरोमेटिक <सुछ> कोई कंपाउंड अगर आपका एरोमेटिक है और उसमें हमने रिएक्शन कराने चाहिए और उसकी एरोमेटिसिटी क्या है वो ब्रेक हो चुकी है अब बताओ क्या, क्या कोई कंपाउंड्स अपनी एरोमेटिसिटी ब्रेक करेगा बिल्कुल नहीं इस चीज़ को आप लिख लेना कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड्स अपनी एरोमेटिसिटी को कभी भी ब्रेक नहीं करेगा यानी कि ये रिएक्शन आपकी नहीं होगी जो आपकी बेंजीन होगी वो क्या करेगी आपको एडिसन रिएक्शन नहीं देगी इस चीज़ को आप लिख लेना इंटरव्यू टाइप या फिर आपसे कोई भी आप एग्जाम देने के लिए जाओ तो वहाँ पर आ सकता है जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं क्या हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन देते हैं एडिशन रिएक्शन देते हैं आपको याद रखना है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन देते हैं चलो अब इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिल्सिट्यूशन रिएक्शन भी हम सीखते हैं ये हो गया आपका देखो यहाँ पर क्या किया हमने अपना ऐसे ही एरोमेटिक कंपाउंड्स लिया बेन तो इसमें हमने क्या किया बी आर टू की रिएक्शन करानी चाहिए तो बी आर टू की रिएक्शन करने के लिए हम यहाँ पर डालते हैं एफी सी एल थ्री लुइस एसिड ओके जब हम यहाँ पर ऐसे डालते हैं तो क्या होगा कि पाइबोन्स ऐसे आएगा और यहाँ पर ब्रेक यहाँ पर क्या करेगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर बी आके लग जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्लस चार्ज आ जाएगा आ जाएगा ना अब देखो एक हाइड्रोजन तो आपका यहाँ पर है एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पर है जो आपका ल्यूस एसिड यहाँ पर है क्या वर्क करेगा कि एच प्लस को यहाँ पर अपने एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से ले लेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका कुछ ऐसे हो जाएगा माइनस और प्लस बी आर और हाइड्रोजन अब अगर आपको कुछ जानकारी हो तो प्लस माइनस क्या करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं लिखो आप प्लस माइनस चार्ज वर्क बॉन्ड फॉर्मेशन ये छोटी छोटी बातें आपके काम आएंगी ओके अब यहाँ पर क्या होगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी और सिस्टम क्या हो जाएगा दोबारा से आपका हो जाएगा बोलो हो जाएगा ना ये सिस्टम क्या हो जाएगा आप आपका एरोमेटिक हो जाएगा अब यहाँ से एक हाइड्रोजन आपका निकला है एक हाइड्रोजन आपका निकल रहा है यानी कि यहां से हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हो रहा है हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट ओके ये हाइड्रोजन क्या हो रहा है आपका सब्सिट्यू प्रतिस्थापन रिमूव हो रहा है ऐसे क्या होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हो गए आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन देंगे अब एंटी एरोमेटिक की कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं जो हमारे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वे क्या करते हैं हमें लो बहुत ही लो टेम्परेचर पर मिलते हैं और वे क्या होते हैं हमारे हाईली लो हाईली अनस्टेबल होते हैं लिखो आप एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स इसको पे मिलती है हमें लो टेम्परेचर पर वेरी लो टेम्परेचर अगर आप इसको क्या करते हो ये क्या होते हैं हाइली अनस्टेबल होते हैं इस चीज़ को भी आप लिख लेना हाइली अनस्टेबल और जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वे क्या होते हैं हमारे हाइली स्टेबल एरोमेटिक ये जो कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है ना यही आपके एग्जाम में सहायता करेगी अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्यों अनस्टेबल होगी ये ये क्यों स्टेबल होगी तो इसके लिए हम क्या करते हैं एग्जाम्पल लाते हैं अपना देखो हमने लेते हैं साइक्लो और इस साइड लेते हैं है अपनी अपनी ओके देखो यहाँ पर जो साइक्लो होता है उसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ आप देखो ये क्या है इसका बॉन्डिंग यहां पर क्या आ जाएगा आपके नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल और यहां पर क्या आ जाएगा आपके no, आपके एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल आ जाएगा ये क्या बोलते हैं आपके एनर्जी लेवल ओके अभी इधर आओ जो बेंजीन होगा आपका यहां पर आओ इसको ऐसे ड्रॉ करो इसके अंदर आपके कितने होते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर क्या होता है 4 पाई इलेक्ट्रॉन हमारे प्रेजेंट होते हैं तो एनर्जी लेवल बना हुआ आप ये क्या होते हैं आपके बॉन्डिंग एनर्जी लेवल यहाँ पर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका एंटी बॉन्डिंग में तो आपका ओनली आ जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका एंटी बॉन्डिंग यहां का और ये क्या हो जाएगा आपका एंटी बॉन्डिंग नहीं नॉन बॉन्डिंग सॉरी नॉन बॉन्डिंग ये क्या हो जाएगा आपका एंटी बॉन्डिंग ओके अब इलेक्ट्रॉन फील करो आप एंटी बॉन्डिंग में हमें फोर इलेक्ट्रॉन भरने हैं वन टू थ्री फोर ओके और यहाँ पर हमें सिक्स इलेक्ट्रॉन फील करने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब आओ आपको कोई डिफरेंस नजर आ रहा है देखो यहाँ पर ध्यान से देखो जो आपके यहाँ पर साइक्लोब्यूटा है यहाँ पर क्या है टू अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रजेंट है टू अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रजेंट तो जो आपके दो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रजेंट है इनके कारण जो आपका साइक्लोब्यूटा है या एंटी एटमेटिक कंपाउंड्स होते हैं क्या होते हैं हाईली अनस्टेबल होते हैं अब यहाँ पर देखो नोट प्रजेंट एंटी बॉडी नोट प्रजेंट अनपेड इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके कारण क्या होगा जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता है, वे हाईली स्टेबल होते हैं किसके कारण क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपका आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रजेंट नहीं है जो आपके एंटी एरोटिक कंपाउंडस होते हैं वे क्या बनाते हैं डायमराइजेशन करते हैं क्यों कहाँ जा करते हैं डायमराइजेशन इस चीज़ को आपका पता है जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं अगर आप उनको हाईली लो टेम्परेचर से रूम टेम्परेचर पर लाते हो कहाँ पर रूम टेम्परेचर पर लाते हो तो क्या करते हैं आपके आपके डाइमेराइजेशन करते हैं देखो मैंने एक साइक्लोब्यूटाडाइन लिया और उसकी रिएक्शन क्या होगी कि दूसरे अपने जैसे साइक्लोब्यूटाडाइन से हो जाएगी किस पर रूम टेम्परेचर पर आने के बाद जब रूम टेम्परेचर पर भी हम उसको लाना चाहेंगे तो क्या करेंगे डायमेराइज हो जाएगी यानी कि क्या करेंगे कि अपनी एरोमेटिसिटी अपनी एंटी एरोमेटिसिटी होते हैं उसको ब्रेक करना चाहिए अपनी एंटी एरोमेटिसिटी को तो ये क्या बनगा आपका ये आपका ऐसे कंपाउंड बन जाएगा क्या होगा आपने पढ़ा होगा टू आपका यहाँ पर होगी टू प्लस टू साइक्लो एडिशन रिएक्शन पैरिंग रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा साइक्लो एडिशन रिएक्शन ओके okay. ये ऐसे ही बोन ब्रेक होगा और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा और आपस में क्या करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन आपके यहाँ हो जाएगी वैसे तो आपका यहाँ प्लस माइनस चार्ज हम नहीं दिखाते लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं हम ऐसे शो करते हैं कि बॉन्ड इस साइड गया तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा ये इस साइड ब्रेक हुआ तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस तो प्लस माइनस क्या करेगा यहाँ पर फॉर्मेशन कर लेगा लेकिन ऐसा नहीं होता अगर हमें क्या करना हो इसका डायमराइजेशन रोकना हो तो क्या करना होगा यहाँ पर बहुत बल्कि ग्रुप लगाने होंगे जैसे हम लगाते हैं टर्श्री ब्यूटाइल क्या लगा के हम टर्शी ब्यूटाइल अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं साइक्लो ब्यूटा के पास टर्शी ब्यूटाइल कंपाउंड्स लगाते हैं टर्श्री ब्यूटाइल ग्रुप अब क्या बोलोगे उनको ग्रुप बल्कि ग्रुप ट्रशी ब्यूटाइल बल्कि ग्रुप जब आप यहाँ पर क्या करते हो ट्रशी ब्यूटाइल बल्कि ग्रुप लगाते हो ऐसे तो इसका क्या होता है डाय नोट आप यानी कि जो आपका डायमेराइजेशन है वो आपका रुक जाता है स्टॉप द देखो आप स्टॉप द डायमेराइजेशन ऐड द बल्कि ग्रुप्स स्टॉप द डायमेराइजेशन यानी कि आपके डायमेराइजेशन को क्या करेगा ये बंद कर देगा देखो आप लगा के देखो आपने कुछ ऐसे लगाया ये आपका क्या साइकिल और यहाँ पर क्या किया कि आपने टर् ब्यूटाइल ग्रुप लगाया टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप क्या होता है सी सी एच थ्री सी एच थ्री और सी एच थ्री ये क्या होता है आपका टर्शी ब्यूटाइल यानी कि आपका ट्राई मेथाइल ग्रुप आपके यहाँ पर लगे हुए एक कार्बन के पास अगर आपसे पूछा जाए जो आपका यहाँ पर सी एच थ्री रहने वाला है उसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या होगी आपकी टैट्राहाइड्रोल एक क्या होगा आपका कार्बन के पास का एक हाइड्रोजन क्या होगा आपका अबो द प्लेन एक बिलो द प्लेन और एक आपका क्या रहेगा प्लेन में आपका एक हाइड्रोजन रहने वाला है अगर आप देखो इनको जब आप ऐसे ओपन करोगे तो क्या इनमें आपस में हेडेंस होगी या नहीं होगी तो इसमें क्या होगी स्ट्रिक हिंडस हो जाएगी जिसके कारण क्या हो जाएगा कोई भी साइक्लोब्यूटाडाइन जब ये जब आपका ट्रशी ब्यूटाइल ग्रुप लग जाएगा आपस में क्या करेगा डायमेराइजेशन नहीं करेगा ओके ये क्या होगा फिर डायमेराइजेशन नहीं करेगा अगर आपसे पूछा जाए स्टेबिलिटी के बेस पर कि एक तो आपका है ऐसे एक आपका एरोमेटिक है एक आपका क्या है ली, आपका क्या है आपका ऐसे कंजुगेशन तो यहाँ पर भी है ऐसा लीनियर कोई कंपाउंड्स है लीनियर कंजुगेशन का कंपाउंडस है एक क्या है आपकी बेंजीन है इनमें से अगर आपसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए तो आप किसको ज़्यादा स्टेबल बोलोगे जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वे सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं इस चीज़ को आपको याद रखना है कि एंटी आपके जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो मोर स्टेबल हो जाएंगे फिर आपका लीनियर आ जाएगा फिर आपका आता है एंटी एरोमेटिक क्या आता है एंटी एरोमेटिक यानी कि एंटी एरोमेटिक जब भी मौका मिलेगा तो अपनी एंटी आरोमेटिसिटी को ब्रेक करेंगे क्या करेगी ब्रेक करेंगे अगर इसको मौका मिल जाए ना इसके बाद हम देखते हैं पुचपुल इफेक्ट जो एंटी आरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वहां पर एक रिएक्शन आती है पुचपुल इफेक्ट इसमें हमें देखना है वो क्या चीज है ओके देखो पुचपुल इफेक्ट इसमें क्या होता है आपका लिखो आप इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमारे प्रजेंट होते हैं देखो हम साइक्लो बीटा डाई इन लेंगे ऐसे लिया बनाना चलो सही नहीं बना फिर कोशिश करेंगे दोबारा से बनाने से अब सही है ना सॉरी अगर आपके बिना हो सही तो ये हमारा जो साइक्लो बीटा डाई इन है इससे हम कुछ ऐसे ग्रुप लगा देंगे अपने ओके और यहाँ पर क्या लगाया एन ग्रुप अगर आपसे पूछे इन में से कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कौन सा इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग ग्रुप है तो आप बताओ जो यहाँ पर होता होता है, वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह वर्क करेगा NH2 टू क्या होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और जो सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री होता है क्या होता है इलेक्ट्रॉन

तो पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा जब पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा तो ऑक्सीजन के पास पाई बॉन्ड जो है वो ऐसे ब्रेक हो जाएगा डाइपोन मोमेंट्स के बेस पर तो यहाँ पर यहाँ तक तो आपका कंजुगेशन है तो सिस्टम क्या हो जाएगा आपका प्लेनर हो जाएगा तो उसके कारण क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आपके ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ जाएगा ओके अब यहाँ पर भी देखो अब आपको इसकी फाइनल स्ट्रक्चर बनानी होगी जब आप इसकी फाइनल स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ ऐसे बनेगी वो ध्यान देना ओ माइनस ओ ई टी डबल बॉन्ड सी ओ माइनस ओ ई टी हो जाएगा ना और डबल बॉन्ड प्लस एच टू डबल बॉन्ड नाइट्रोजन प्लस एच टू हो जाएगा ना अब ये जो आपका यहाँ पर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड था अब बताओ उसकी जो अंदर स्ट्रेंथ था वो रिलीज़ हुआ ना हुआ ना कंफर्म है ना क्योंकि जो आपकी एसपी टू हाइब्राइजेशन होता है उसका जो एंगल्स होता है वन ट्वेंटी डिग्री होता है यानी कि क्या हो जाएगा वो प्लेन हो जाएगा प्लेनर में आ जाएगा अब देखो और जब आपका यहाँ पर साइकिल पिटा डाइन है तो अगर इसका एंगल मैं आपसे पूछूँ तो क्या आ जाएगा नब्बे डिग्री नब्बे डिग्री होने के कारण क्या हो जाएगा सिस्टम जो हो जाएगा आपका स्ट्रेन में आ जाएगा यानी कि ये काफ़ी हाईली अनस्टेबल हो जाएगा तो ऐसे होने के कारण क्या हो जाएगा स्टेबल नहीं होगा अब हम क्या करते हैं इसमें कुछ और चीज़ है वो देखते हैं हम ये जो प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता रही हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनके बेस पर ही क्या कर रहे हैं हम अपने

जब हम पढ़ेंगे अपने स्पेक्ट्रोस्कोपी लेकिन कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में चीज़ देखने को मिलता है जिसके बेस पर हम बताते हैं कि इनका करंट या इनके जो हाइड्रोजन से आउटर प्रोटोन इनर प्रोटोन वे कैसे होंगे तो इसको हम किस पढ़ते हैं केमिकल शिफ्ट में इसके लिए हम क्या करेंगे जो हमारा टी एम एस वाला पी एच माप है उसको हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो टी का मीनिंग है टाइट्रा मेथाइल सिलीकेन ऐसे लिया तो यहाँ पर क्या है आपकी वन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन आ गया अब देखो अब हम यहाँ से जीरो से अगर टेन की ओर चलते हैं तो क्या होता है हमारा बताओ हमारा डीसीडिंग एरिया इंक्रीज होता है क्या होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स में यहां पर बात करें हम एरोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड्स और यहाँ पर हम बात करेंगे एंटी कंपाउंड्स की ओके okay. जब हम टीएमएस से जितना दूर जाते हैं तो क्या होता है कि उसकी डीशील्डिंग एरिया इंक्रीज होता है क्या होता है डीशील्डिंग इंक्रीज यानी कि जो डिसल्डिंग होता है उसकी वैल्यू एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी और जो आपकी पॉजिटिव वैल्यू में राय करेगी वे क्या होगी आपके आउटर साइड प्रोटोन हो जाएगी क्या हो जाएगी आउटर साइड प्रोटोन ओके जितना आप टीएमएस की ओर जाओगे यहाँ से जितना आप टीएमएस की ओर जाओगे क्या होगा आपका जो होगा जो आपके प्रोटोन होंगे वो क्या हो जाएगा आपके सील्डिंग जोन में आ जाएंगे क्या हो जाएगी सील्डिंग जोन में आ जाएगी आपके प्रोटॉन और उसकी जो आपकी वैल्यू हो जाएगी वो क्या आएगी आपकी नेगेटिव आएगी क्या आएगी नेगेटिव आएगी और उन्हें प्रोटॉन्स क्या होगी आपके इनर साइड के प्रोटॉन आपके यहाँ पर होगी किसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स में इनर साइड प्रोटॉन अब हम क्या करते हैं एक एरोमेटिक सिस्टम को विड्रॉ करते हैं हमने क्या लिया अपना बेंजीन ही यहाँ पर हम लेते हैं अब हमें देखना है कि कौन से हमारे जो कंपा जो हमारे प्रोटोन है हमारे सिल्डिंग जोन में रहेगी कौन से हमारे डिसिल्डिंग जोन में रहेगा तो हाइड्रोजन ये प्रोटोन हमने ऐसे मैंशन किए अब आपको पता है रिंग करंट किस साइड से किस साइड होता है हमारा जो रिंग करंट होता है वो इस साइड से इस साइड आएगा आएगा अब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपकी सील्डिंग एरिया आपका इंक्रीज हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका सील्डिंग अब सील्डिंग एरिया अगर इस साइड इंक्रीज है तो ये जो तो आपके हाइड्रोजन है ये कहाँ बोलेगे आपके इनर साइड प्रोटोन बोलेगी किस साइड बोलेगी इनर साइड प्रोटोन क्या हो जाएगा इनर साइड आपके प्रोटोन यहाँ पर आ जाएंगे ओके इनर साइड प्रोटोन होने के कारण जो आपका एलोमेटिक कंपाउंड होगा उसकी वैल्यू किस में आएगी नेगेटिव में ओके और ये जो आपके कंपाउंड्स ये आपके जो ये आपके जो प्रोटोन है ये किस साइड आएगी आपके आपके आ जाएगी आउटर साथ। आउटर साइड प्रोटोन आउटर साइड प्रोटोन होने के कारण ये क्या हो जाएगी आपके बोलो ये हो जाएगी आपके आपके जोन में और डी जोन में होने के कारण इनकी जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी आपकी पॉजिटिव में आएगी सपोज तो करोगे इसकी वैल्यू आई आपकी प्लस वन पॉइंट नाइन थ्री और यहाँ पर आ जाएगी प्लस वन पॉइंट जीरो पर यहाँ पर आपकी माइनस के जीरो पॉइंट फाइव समथिंग वैल्यू रहने वाली है केमिकल शिफ्ट की ऐसे ही आपको क्या करना है वहाँ पर देखना है अब जो आपका एंटी एरोटिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होता है इसके कुछ अपोजिट हो गए जो भी आपके एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आएंगे जो आपके वहाँ पर इनर साइड प्रोटोन हो गए वो क्या हो गया आपके डी सीडिंग हो जाएगी इनर साइड प्रोटोन क्या हो जाएगी आपकी डिसल्डिंग और इनकी जो वैल्यू रहेगी आपकी वो क्या होगी आपकी नेगेटिव इसमें आएगी नेगेटिव में जो यहाँ पर आउटर साइड प्रोटोन है वे क्या रहेगी आपके यहाँ पर सिल्डिंग जोन में और इनकी जो वैल्यू हो जाएगी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी इस चीज को आपको देखना है ओके okay. अब आपका जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वे क्या होते हैं डाया मैग्नेटिक और जो आपके एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं क्या होते हैं पैरा मैग्नेटिक क्या हो जाएगी पैरा मैग्नेटिक इन चीजों को आपको ध्यान से देखना है तो गाइस आज हमने क्या सीखा है एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स ओके तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर ही समाप्त करते हैं नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम जल्दी मिलेंगे तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें